खाली पड़ा है सारा गर्मी की वजह से। ये चीजें अपने लिए ज्यादा पानी ना आता पानी तो बहुत ज्यादा नहीं पूरी अंडा हरी सकने कबूतर लकड़ी लटकी ना उपड़ी जॉइंट्स है ना इनके पैरों में वहाँ तक पानी होना चाहिए। मरी हुई नहीं खाते कभी नेचुरली इन दिनों जो जयपुर में गर्मी पड़ रही है उस समय पर्यटक की संख्या पहले से कम हुई है। सुबह और शाम के समय पर्यटक ज़रूर जयपुर ज़ू में यहाँ पे आते हैं और हमारे वन्य जीवों को और जो पक्षी हैं उनको देख के आनंद का अनुभव करते हैं। गर्मी से बचने के लिए हर वर्ष की बात ही है, वहाँ जो इनक्लोजर्स हैं उसमें फवारे लगाए गए हैं जिससे फवारे से फवारा चालू रहता है, इससे टेम्परेचर कंट्रोल रखते हैं। जो शेल्टर्स हैं उसमें कूलर्स और इत्यादि की व्यवस्था की गई है ताकि टेम्परेचर वहाँ पर डाउन रहे, और इसके अतिरिक्त जो गर्मी की स्पेशल डाइट है वो दी जा रही है। ये आपका तो पूरा हुई है और पशु पक्षियों के लिए डाइट का किस प्रकार इंतजाम किया गया, किस प्रकार डाइट दी जा रही है?
उन दिनों जयपुर में पड़ती हुई गर्मी को देखते हुए जयपुर जू प्रशासन की ओर से विशेष इंतजाम किए गए हैं। सभी जो वन्य जीव और जो पक्षी हैं उनके पिंजरों में सुबह पानी का छिड़काव किया जाता है। इसके अतिरिक्त स्प्रिंकल्स लगे हुए हैं, साथ साथ कई जगह हमने कूलर्स की भी व्यवस्था की गई है। जहाँ तक डाइट का सवाल है, जो हमारे जो वन्य जीव हैं रेगुलर डाइट के साथ साथ उनको फ्रूट्स दिए जा रहे हैं, जिसमें खासतौर से एप्पल, पपैया और इसमें तरबूज खासतौर से दिया जा रहा है। जो भी हर्बीवोरस हैं उसमें रिचका की मात्रा बढ़ा दी है, साथ साथ उनको तरबूज दिया जा रहा है ताकि उसको वाटर कंटेंट ज़्यादा मिल सके। और इसके साथ साथ कुछ मेडिसिंस भी जो वन्य जीव और जो पक्षी उनको दी जा रही है, जिसमें एंटी स्ट्रेस और इम्यूनोमॉड्यूलेटर मेडिसिंस के साथ साथ कैल्शियम और मल्टीविटामिन्स की खुराक भी दी गई है, ताकि आने वाले दिनों में जयपुर जू जयपुर में अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो कोई भी वन्य जीव या जो पक्षी है वो हीट स्ट्रोक से की चपेट में नहीं आए। सभी वन्य जीवों के जो पानी जो पीने का है उसमें बारी बारी से इलेक्ट्रोल और ग्लूकोज मिला के दिया जाता है, ताकि उसमें डिहाइड्रेशन की समस्या ना रहे।